खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और साथ ही मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब। जय हिंद। योगी सरकार में जिस तरह नारी शक्ति मिशन चलाया जा रहा है वो विश्वास और सुरक्षा का प्रतीक है, तो वही नारियों को इंसाफ दिलाने में भी नए आयाम छू रहा है। इस कड़ी में आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने वाले मामले में आरोपी को 10 साल का कारावास। आप देख रहे हैं मेरे मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज, हर खबर पर नजर। मैं हूं नवेद खान। दिन है 24 मार्च 2021। न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संख्या 17 मेरठ विजय कुमार दित्य ने आत्महत्या के एक मामले में आरोपी शादाब पुत्र सुलेमान निवासी लावर मेरठ को एक लड़की को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने का दोषी पाते हुए 10 साल के कठोर कारावास और अंकन जुर्माने से दंडित किया है। एडीजीसी क्रिमिनल मुकेश कुमार मित्तल ने बताया कि वादी मुकदमा वीरू गुप्ता ने 1 जनवरी 2018 को थाने इंचौली में रिपोर्ट आई थी कि उसकी बेटी की शादी 8 मार्च 2018 को खिरवा गांव निवासी सौरभ राजवंशी के साथ तय हुई थी। चूंकि वादी वीरू गुप्ता अपाहिज है, इसलिए उसने अपने काम काज के लिए अपने गांव के ही निवासी आरोपी शादाब को अपने साथ काम पर रख लिया था। आरोपी काम करने के बाद जो वादी की लड़की थी उसकी आपत्तिजनक फोटो खींच लेता था और उन फोटो को दिखाकर युवती से लड़की से अवैध संबंध बनाने की बात करता था। लड़की इसका विरोध करती थी। इसके बाद आरोपी ने वादी की लड़की की फोटो उसके होने वाले पति सौरभ को भेज दिए, जिस वजह से उसका रिश्ता टूट गया और इससे क्षुब्ध होकर वादी की बेटी ने आत्महत्या कर ली। न्यायालय में आरोपी ने कहा कि उसे इस मुकदमे में झूठा फंसाया जा रहा है। सरकारी वकील मुकेश मित्तल ने इसका कड़ा विरोध किया और वादी सहित मुकदमे में कुल 8 गवाह पेश की। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए आरोपी को दोषी पाते हुए 10 साल के कठोर कारावास व जुर्माने से दंडित किया है। इस केस में लिया गया फैसला यकीनन महिलाओं की सुरक्षा और न्याय का एक मिसाल है, सत्यमेव जयते का एक उदाहरण है। मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज से नवीद खान की रिपोर्ट। एक बाप बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए गया था, बेटी को इंसाफ मिला, किस तरीके से मिला, क्या पूरा मामला था? मैं मुकेश मित्तल, एडिशनल डीसी क्रिमिनल मेरठ। एक ये मामला था लावड़ गांव का, थाना इंचौली का। वीरू गुप्ता नाम के व्यक्ति वहाँ जो पाइज हैं वहाँ रहते हैं, उन्होंने अपने यहाँ काम करने के लिए शादाब सन ऑफ सुलेमान लावड़ को रखा था। उनके अकेली बेटी थी एक, उस बेटी को इन्होंने उसके रखने के बाद उसके वीडियो असली फ़ोटो बना लिए। जब बाप को पता चला कि मेरी बेटी को तंग कर रहा तो उसको काम से निकाल दिया गया, हटा दिया गया, लेकिन उसके बाद भी तंग करता रहा। उसकी बेटी का रिश्ता तय हुआ तो जिससे रिश्ता तय हुआ था उस आदमी को इस लड़के ने उसकी असली फ़ोटो वीडियो भेज दिए और वो रिश्ता टूट गया। उसे क्षुब्ध होकर उस लड़की ने 31/12/2017 को रात को 8 बजे आत्महत्या कर ली। उस दिन भी ये लड़का वहाँ मौजूद था और उसको देख के भाग गया। उसके बाद ये माननीय न्यायालय ADJ 17 विजय कुमार सेकंड के यहाँ मुकदमा चला, जिसमें हाई कोर्ट की डायरेक्शन थी। डायरेक्शन के अनुसार ये तय हुआ और जिसमें कल माननीय न्यायालय ने अभियुक्त शादाब को 306 में 10 वर्ष और 50,000 जुर्माना और 354 छेड़खानी का मामला भी था, 354 में 3 वर्ष की सज़ा, 506 में 2 वर्ष की सज़ा और 67 IT Act, क्योंकि इन्फॉर्म टेक्नोलॉजी का इसमें प्रयोग किया गया था, उसमें भी इसको 3 साल की सज़ा 50,000 जुर्माना दिया गया। और उस जुर्माने से 50% की धनराशि पीड़िता को, जो मृतका थी उसके पिता वीरू गुप्ता को, देने का आदेश माननीय न्यायालय ने दिया। और ये आदेश बहुत अच्छा आदेश माननीय न्यायालय ने किया है, मैं इसकी सराहना करता हूँ। राजनीति से जुड़ी हो या मुद्दा हो आम जनता का, खबर क्राइम की हो या खबर हो आपके शहर की, आपके प्रदेश की या फिर आपके देश की, या फिर बात हो एंटरटेनमेंट की, हम उठाएंगे आपकी समस्याओं को आपकी आवाज बनकर। मैं हूं नवेद खान,
खबरों में अपडेट रहने के लिए मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए समाचार पत्र मेरठ मित्र। जय हिंद। खबर राजनीति से जुड़ी हो या मुद्दा हो आम जनता का, खबर क्राइम की हो या खबर हो आपके शहर की, आपके प्रदेश की या फिर आपके देश की, या फिर बात हो एंटरटेनमेंट की, हम उठाएंगे आपकी समस्याओं को आपकी आवाज बनकर। मैं हूं नवेद खान। खबरों में अपडेट रहने के लिए मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए समाचार पत्र मेरठ मित्र।